तो आप लोगों को आज से कुछ जो छूटा हुआ चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। कहीं भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है, समस्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और शेयर कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तभी तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या समस्या है। तो किसी प्रकार का समस्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग बताइए, मैं उसको समझाऊंगा, दोबारा बताऊंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको ए मान लेंगे, सारणी निकालेंगे, इसका वैल्यू देखा गया ना, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू हुआ है, ए इनवर्स संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो नहीं हुआ। अब इसको हम आर वन सूत्र क्या होता है, ए बराबर आई होता है ना, तो इसको आर वन के माध्यम से हल करना था, तो दिक्कत आर वन दे दिया होगा, उसको हम ठीक करना है, तो आर वन क्या होगा, आर वन प्लस आर टू से जोड़ दीजिए, 2 प्लस -1 -1 -3 2 2, वही क्या इसमें 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 1, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, 2 में से 0 1 -1 -1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 0 1 1 में। और ध्यान समझिएगा इसको क्या करना है, 0 करना है, जोड़ दीजिए इसमें आर टू करें क्रिया क्या हो, आर टू प्लस आर वन उसको जोड़ दीजिए, 1 -1 है, -1 में 1 जोड़ दीजिए, अब 2 में -1 जोड़ दीजिए, कोई ना मिशन नहीं, 1 1 0 में 1 जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ दीजिए, 1 0 हो गया, -1 दोनों से कट कितना बचेगा, बचेगा 1 1 1 और 2, ध्यान दीजिएगा 1 0 तो 0 बना है तो जोड़ दीजिए किसको, आर वन है, इसको आर वन प्लस आर टू को कर दीजिए, तो आइए ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस 0 -1 प्लस 1 0 और 1, ठीक है, 1 प्लस 1 1 1 प्लस 2 इनटू 2 इनटू 1 बन गया 1 0 0 1, कितना आ गया 2 1 3 2, यानी कि इसमें क्या हो गया, इनवर्स का मान कितना आ गया 2 1 3 2, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार हल कीजिएगा, आपको बनाने जरूर आएगा, क्योंकि प्रारंभिक रूपांतरण भी थोड़ा सा लॉन्ग और हाई जाता है।